अगर एक बहुत ही रेस्टलेस आदमी है तो वो रेस्टलेस सिंगर्स या रेस्टलेस आर्टिस्ट या रेस्टलेस स्टार्स को ही अट्रैक्ट करेगा या फिर रेस्टलेस लोगों को ही अट्रैक्ट करेगा. यू वुड सी इन योर लाइफ एज वेल. अगर आपका कुछ फेस हैप्पीनेस का होगा एंड यू वुड सी कि अरे शायद से हैप्पीनेस के ही लोग मुझे मिल रहे हैं, हैप्पीनेस के ही इवेंट्स मेरे से हो रहे हैं, या जो भी मैं कुछ कर या कर रही हूँ तो हैप्पीनेस ही दे रहा है, शायद से वो हैप्पीनेस ही आउटकम हो रहा है. तो ऐसे क्यों? बिकॉज रेजोनेट. रेजोनेट मीनिंग व्हाट? कि अगर एक ट्यूनिंग फॉक होगा 500 हर्ट्ज का और बाजू में वही हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉक है और एक को हमने स्ट्राइक किया सो सेकेंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टू वाइब्रेट. इसको रेजोनेट बोलते हैं. तो हमारे लाइफ में यही करता रहता है मगर हम इसको कभी ध्यान नहीं दे पाते, हम उसको ध्यान नहीं दे पाते. और हमारे लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंसेस आ जाते हैं उसके कारण जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, हमारी जो एनर्जी हम बोल सकते हैं. अभी एनर्जी क्या होती है ये अनुभव ही करेंगे हम ड्यूरिंग दी सिद्ध साउंड हीलिंग. तो ये साउंड हीलिंग आपने अटेंड किया होगा और बाकी साउंड हीलिंग में फर्क होता है, जिसकी शकुंतला जी ने भी रिवेश जी से हु इज माई मास्टर हु इज माई गुरु जी वहां से सीखा है. तो ये सिद्धों की परंपरा है. सो ये साउंड हीलिंग ये कुछ नई बात नहीं है, ये एंशियंट टाइम से आ रहा है मगर हमें पता नहीं है. जैसे कि म्यूजिक इट इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, तो वैसे ही ये जो योग है, ये जो नाद योग है वो हर एक के जीवन में हो रहा है मगर हमें पता नहीं है वो क्या है. सो ये आप जो सिंगिंग बोर्ड्स देख रहे हो ये दिस टू आर वेरी एंटिक एक्चुअली. सो ये आप देख पा रहे हो सिंगिंग बोर्ड्स अभी राइट नाउ इट इज बीन कॉल्ड एज टिबेटियन सिंगिंग बोर्ड्स और हिमालयन सिंगिंग बोर्ड्स बट दे आर नॉट फ्रॉम द टिबेट और फ्रॉम द हिमालयस, दे आर वेरी मच फ्रॉम द इंडियन स्क्रिप्चर्स. वेद और उपनिषद का ये एक्चुअली इन्वेंशन है एंड स्पेसिफिकली गुरु गोरक्षनाथ जो नाथ संप्रदाय नाथ परंपरा नाथ पंथी जो बोलते हैं, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे लाइट और साउंड के लिए टूल्स बनाए और बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए भी उन्होंने टूल्स बनाए. जो हम कभी आई डोंट नो जो तांत्रिक टूल्स होते हैं तो वो सब नाथ परंपरा ने इन्वेंट किए हैं. बिकॉज हर एक कम्युनिटी के लिए हर एक टूल होता है. जैसे कि कोई कोई लोगों को सिर्फ म्यूजिक से ही अच्छा होता है या किन किन को सिर्फ आसन ही करके करना होता है. करेक्ट, जैसे हमारी प्रकृति होती है वैसे हम चीज उसको अट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि आज देखो कितने सारे जन योगा के आए हैं, योगा टीचर्स या ट्रेनर्स. करेक्ट, तो ऐसे ही होता है. एक पर्टिकुलर प्लेस की एनर्जी होती है तो वो एनर्जी हमें अट्रैक्ट करवाती है. तो आज यहाँ पे आए हो आप मुझे देख के नहीं आए हो, ना मेरे से कुछ अट्रैक्ट करके या जो भी कंटेंट था या पिक्चर था उससे नहीं, आप डायरेक्टली आए हो क्योंकि वो बोध चाहिए. बोध 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 एक बहुत डिवाइन शब्द है जिसको इंग्लिश में लोगों ने अवेयरनेस कहा है मगर वो उससे मैच नहीं होता. बिकॉज संस्कृत ऐसी एक भाषा है, एक वो वाणी है, उसके शब्द ऐसे है कि वो अंदरूनी नाद को बाहर लाते हैं. हमारी जो भी प्राकृत लैंग्वेजेस है, प्राकृत जो शब्द कोश हम बोल सकते हैं, तो वो हमारे अंदरूनी नाद को बाहर लाने के लिए फ्लावरिंग हम जो बोलते हैं, जैसे कि ये रूम का नाम है एसेंशन, राइट? एसेंशन, सो टू राइज टू अवेकन, तो वो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन था. नॉट टू कम्युनिकेट, इट वॉज नॉट इवन फॉर कम्युनिकेशन, इट वॉज ओनली फॉर अवेकनिंग. सो ऐसे ही संस्कृत मराठी फिर बंगाली जो लैंग्वेजेस है जो यू कैन से दी एसेंस, तो ऐसे है और भी बहुत सारे है, ऐसे नहीं था ठीक है जो हमारे यहाँ पे है. तो फिर जो लोग बाकी लैंग्वेजेस सीखो तो बुरा मानेंगे, वैसे नहीं. तो जो यहाँ पे है तो फॉर फॉर वॉट
to awaken the inner sound, the inner divine nad. और हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे लहरी भी होते हैं. लहरी, लहरी मतलब कैसे? वाइब्रेशंस मतलब कौन से? लस्ट के, एंगर के, ग्रीड के, डिप्रेशन के, और कौन से है? जेलसी, हेट्रेट, और कौन से है जो हमें मतलब लाइफ लॉन्ग हमें सिर्फ मतलब वो भगाते रहते हैं हमें, ऐसे वाले वाइब्रेशन. तो ऐसे वाले कौन से हैं? ईगो है, करेक्ट. इट्स अहंकार. एक्सपेक्टेशंस, करेक्ट. और क्या है? व्हाट अबाउट द पेन, द इल पैटर्न्स ऑफ द बॉडी, जो हम क्रेविंग्स बोलते हैं या डिजायर्स बोलते हैं या वासना होती है, और क्या हो सकता है? रिवेंज. रिवेंज, करेक्ट. तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, करेक्ट. तो यही हमारा जीवन चलाती है और इसमें प्रॉब्लम हो जाता है फिर. You can see it in your own lives. अभी हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है. क्या करना है? कॉन्टेम्पलेट भी करना है कि मेरे लाइफ में ऐसे क्यों कौन से लहरी हैं जो मेरी लाइफ चला रहे हैं. जैसे कि बहुत तभी हम माँ के कोख में होते हैं तभी उसके भी वाइब्रेशन हमारे पे डिपेंड कर मतलब हमारे जेनेटिक्स के लिए डिपेंड करते हैं. फिर हमारे पहले 3 साल होते हैं तो उसमें ही सब ब्लूप्रिंट हो जाता है हमारे इमोशंस एंड रिएक्शंस का, हमारे थॉट्स का, हमारे मूड्स का, जो भी हमारे लाइफ में इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होने वाले हैं तभी वो ही डिसाइड कर देता है. बट देन हमें नाम दिया जाता है, हमें आइडेंटिटी दी जाती है, कुछ रिलीजन के आइडेंटिटीज दिए जाते हैं, रिचुअल्स के आइडेंटिटीज दिए जाते हैं. तो इसमें हम फिर हमारा जो माइंड है वो बहुत एक्टिव हो जाता है. फिर माइंड का एक्टिव होने से इसमें बहुत सारे क्रेविंग्स और एवर्जन्स है, फिर इम्बैलेंसेस है, जैसे कि ये सब वाइब्रेशंस है तो वो इजीली उसको लेकर जाता है माइंड जो है. इट्स अ पार्ट ऑफ ईगो इन अ वे, करेक्ट. तो वो है, मगर इसके अपोजिट एक ऐसा वाइब्रेशन है, वो निरंतर है, निराकार है और वो चलते ही रहता है. एंड मेनी स्क्रिप्चर्स have actually shown us that कि यही तो यूनिवर्स को चला रहा है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो नाद है, वही यूनिवर्स को चला रहा है. और वही जो एक्चुअली नाद है वो हर एक में है, वो हर जीव जंतु में है, हर एटम्स में भी है. और उसको एक्चुअली सब स्क्रिप्चर्स ने कहा है हरि. तो हरि, हरि के अपोजिट लहरी. Can you see? लहरी एंड हरी. तो अगर आपने आपके लाइफ टाइम में हरी को पकड़ लिया, श्री हरी, हरी को हमने उसको रेजोनेट कर लिया, तो आपके लाइफ में बोध आने लगता है. अगर वो बोध आने के लिए एक गुरु का सामिध्य लगता है, एक गुरु के शरण में आपको जाना पड़ता है. उसके बारे में हम बाद में बोलेंगे. बट वाई साउंड? बिकॉज साउंड इज दी बेसिस ऑफ दी एंटायर यूनिवर्स, करेक्ट. वाइब्रेशन, अभी ये मैं नहीं बोल रहा, मगर ये क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है, करेक्ट. तो हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे इल साउंड्स है, इल पैटर्न्स, डिसीज के. व्हेन वी आर नॉट इन अ ईज, वी आर इन अ डिसीज. व्हेन वी आर नॉट इन अ ऑर्डर, हम शासन में तभी नहीं रहते तभी डिसऑर्डर होता है वो, करेक्ट. तो साउंड क्या कहां पे मदद करता है कि जो इल पैटर्न्स है उसको बैलेंस लाने के लिए. बिकॉज अगर आपको अभी कह दो कि आप मेडिटेट करो तो आपको मेडिटेशन जमेगा, ध्यान जमेगा या क्रिया जमेगी. वैसे हम बैठेंगे तो हमें तकलीफ होगी, कहाँ तो पेन होगा बॉडी में, जो जिसको डिसीजेस है उनके प्रॉब्लम्स शुरू होंगे, तो फिर ध्यान नहीं कर पाएंगे. इसलिए साउंड थेरेपी, या साउंड थेरेपी के अलावा भी कैसे जो आयुर्वेद के मेथड्स हैं, जो योगिक सिस्टम्स है हमारी, या जो नेचुरल मेथड्स है अराउंड दी एंटायर कल्चर, सिर्फ इंडिया से ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं. सो वो क्यों? बिकॉज हमें नेचुरली हमारे इनर एनर्जीज को अलाइन करने के लिए, एक बार वो अलाइनमेंट होता है तो फिर उसके बाद मेडिटेशन के बारे में हम बोल सकते हैं. नहीं तो फिर वो बोलना भी हमारे लिए मतलब हम अधिकारी नहीं है बोलने के लिए भी. बिकॉज आज के डेट में क्या हो रहा है, मुझे योगा सिखाना है, मुझे योगा करना भी है और मुझे योगा सिखाना है, करेक्ट.
तो आपको सब योगा ट्रेनर्स को ये मैं आपको एक मैसेज देता हूँ कि आप ना किसी को योगा सिखा सकते हो, ना आप सीख सकते हो, ना मेडिटेशन आप किसी को सिखा सकते हो और ना भी आप सीख सकते हो। ये आप लिख लेना, बिकॉज आप फिर इसमें ट्रैप में नहीं फंसोगे। बिकॉज आई एम सीइंग मेनी थेरेपिस्ट, मेनी ट्रेनर्स हु आर देन इन अ ट्रैप, बिकॉज उनको लगता है ये अल्टीमेट थिंग है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको चॉकलेट, रियल चॉकलेट हम आपको दे दे, चोको बोलते हैं राइट, उसको क्या बोलते हैं, कोको या चोको या आई एम सो सॉरी कोको। तो अगर आपको कोको दे दे तो आपको अच्छा लगेगा वो? तो क्यों? बिकॉज हमें कैडबरी का आदत लग गया है, करेक्ट, हमें वो इल्यूजन की आदत लग गई है। तो इसलिए तो जो रियल योग होता है, जो रियल यूनियन होता है, वो सहज है, वो बहुत ईज है, बहुत आपके लाइफ में समृद्धि लेकर आता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी लाइफ में आत्मबोध करता है। मतलब जो आपकी आत्मा है उसको बोध की तरफ, बोध, बोध मतलब एक डिवाइन अवेयरनेस, इसको गीता कहती है दिव्य चक्षु, मीन्स द इनर लाइट। तो आपके जीवन में चैतन्य बढ़ता है, आपके जीवन में तेज, अग्नि। ये मैं इंग्लिश में ये सब एक्चुअली हिंदी शब्द कभी बोल ही नहीं पाता था, अभी जो सरल मेरी हिंदी निकल रही है, इवन आई एम सरप्राइज कि मैं कैसे बोल पा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीक मुझे औरंगाबाद में इनवाइट किया है, तो वहां पे सब मराठी होने वाले हैं, मराठी कम्युनिटी, एंड वहां पे ऑटोमेटिक मराठी आने वाली है। आई नो दैट ऑटोमेटिक होने वाली, ऐसा क्यों? रेजोनेट, यही तो खासियत है। आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है लाइफ में, योगा जो है वो होने वाली बात है। अगर आप करने गए तो फिर आपका ईगो बढ़ता है, आपका अहंकार बढ़ता है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, योग याग विधि तेने नवे सिद्धि वायाची उपाधि दम्भ धर्म। मीन्स जितना ज्यादा आप योग में होगे, जितना ज्यादा आप योग याग विधि, जितना ज्यादा आप यज्ञों में पढ़ोगे, रिचुअल्स हम कह सकते हैं, और जितना ज्यादा विधि, विधियों में हम अटके हुए हैं, तो उतना ही उससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तेने नोए सिद्धि वायाची उपाधि दम्भ धर्म। इससे क्या होता है, आपका सिर्फ दम्भ, इग्नोरेंस, और आपका उपाधि बढ़ता है। उपाधि मतलब आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिफिकेशन। वी आइडेंटिफाई विद आर नेम, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद आर एजुकेशन, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद सो मेनी थिंग्स। आई एम अ सिंगर, जैसे आप बोलते हो आई एम अ सिंगर, यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, बिकॉज आपको पता नहीं है आपकी ही एनर्जी आपको क्या करवा सकती है आपके लाइफ में, मगर आप फिर लिमिट कर रहे हो आपको ही। आई एम योगा टीचर, अरे योगा टीचर को क्यों लिमिट करना है? योगा ट्रेनर, इट्स नॉट इवन ट्रेंड इन दी एंशिएंट इंडिया, तो आपको क्यों योगा ट्रेनर बनना है? करेक्ट, तो आप लिमिट करोगे फिर उसको। आपको थेरेपिस्ट बनना है, इट्स अ लिमिट। नेवर से दैट यू नो आई एम अटैच विद माय नेम और सर्टन लिमिटेशंस और सर्टन एजुकेशन, तो ऐसे ही हो रहा है लाइफ आज के डेट में। इसलिए वायाची उपाधि दम्भ धर्म, तो फिर ये धर्म की तरफ आपको लेके नहीं जाता है। तो फिर धर्म क्या है? इज इट अबाउट रिलीजन्स? तो क्या है वो? व्हाट डू यू थिंक धर्म क्या है? वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, और क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर राइटियसनेस हम बोल सकते हैं। मगर धर्म वो एक्चुअली दो वर्ड्स का एक्चुअली एक मिलन है, ध और म, मीन्स जो खुद को पकड़ के रख रहा है, माम 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 को धर रख रहा है, मीन्स व्हाट, खुद को पकड़ के रख रहा है। फिर उसके ये बात फिर आउटकम्स है, अगर आप खुद से ही पकड़ गए, खुद को ही कनेक्ट कर पाए, एंड दिस इज नॉट ऑफ द माइंड। आई एम श्योर सो मेनी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन सेमिनार्स यहाँ पे करके आए हैं इधर, बट वो उसकी बात नहीं कर रहे हम, ये हम बात कर रहे डायरेक्ट वाइब्रेशंस की, डायरेक्ट एनर्जीज की। बिकॉज हम जितना ज्यादा ये लोग और उलझते जा रहे हैं, आई एम सीइंग सो मेनी पीपल डूइंग सो मेनी योगिक प्रैक्टिसेस, सो मेनी डिग्रीज इन योगा आल्सो, इन स्पिरिचुअलिटी देयर इज अ मास्टर्स एंड पीएचडी इन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूएस, सो पीपल आर डूइंग दैट एंड दे देन कम हियर एंड दे स्टार्ट टू इन्फॉर्म्ड स्पिरिचुअलिटी। ये क्या आपका बढ़ा रहा है फिर? दम्भ धर्म और उपाधि बढ़ा रहा है। अरे देखो मेरे पास मास्टर्स है, इसमें क्या बढ़ा है? मगर ये जो हरिपाठ लिखा है संत ज्ञानेश्वर महाराज ने,
28 वर्स में सब जीवन भर के रखा है यहाँ पे कूट कूट के. इट्स लाइक अ पावर पैकेट. सो इन जस्ट 28 वर्सेस ही हैज मैनेज्ड टू एलैबोरेट एंड टू समराइज आल्सो द एंटायर अद्वैता टीचिंग्स, द एंटायर गीता एंड द एंटायर ज्ञानेश्वरी इन जस्ट दिस. हरिचा पाठ करने मीन्स क्या करना है, हरि को कैसे रेजोनेट करना है. बिकॉज बिलीव मी, आप इधर इतने सारे बोले हो कि मुझे पर्पस चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये एक इल्यूजन है, आपको वो नहीं चाहिए. आई नो दैट. इसलिए बट स्टिल आई आस्क्ड कि क्या आपको चाहिए, आपको किसकी खोज है. एंड यू वुड सी ये खोजीपन होता है ना जीवन में, ये बहुत तंग करता है, ये चुभन होती है. अरे मुझे ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज चाहिए, मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे ये क्लासेस सिखाना है, मुझे इन किन लोगों के साथ जताना है, अटेंशन सीख करना है, या फिर बहुत सारे लोगों को दिखाना है मेरा क्या टैलेंट है. इवन आई वॉज इन दैट स्पेक्ट्रम प्रीवियसली बिफोर, बिकॉज ये अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो सेशन है ये मैं नहीं चला रहा हूँ, ये जो कंटेंट है मैंने ना किसी से देखा है, ना ये किसी के मतलब रट के आया हूं मैं ये कंटेंट. इट्स ऑन द फ्लो, इट्स बिकॉज ऑफ द श्रुति परंपरा. करेक्ट, दो परंपरा है हमारे भारत में, श्रुति और स्मृति. तो श्रुति परंपरा बहुत उच्च स्तर की होती है बिकॉज वहां पे नाद योगी होता है. तो दो तरीके के टीचर्स भी होते हैं, एक टीचर्स होते हैं वो नॉर्मल एजुकेशन हमने एक्सपीरियंस किया, मीन्स वॉट टीचर या डॉक्टर या सम डोमेन एक्सपर्ट, ही और शी कम्स एंड ही शेयर्स द इंफॉर्मेशन नॉलेज. करेक्ट, इवन दैट इंफॉर्मेशन नॉलेज कैन हेल्प यू टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, बट इट्स स्टिल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. करेक्ट, आपको बहुत सारे टूल्स भी मिलते हैं इन्फॉर्मेशन नॉलेज से, मगर वो टूल्स आपके आत्मा तक आपको लेके नहीं जाते, आपके एनर्जीज तक, आपके शक्ति तक लेके नहीं जाते आपको. एंड देन इवन आफ्टर डूइंग सच कोर्सेस, इवन आफ्टर डूइंग सच सो मेनी डिग्रीज, इवन आफ्टर डूइंग सो मेनी क्लासेस, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत किया होगा. करेक्ट, यहाँ योगा क्लास, वहां योगा क्लास, ऋषिकेश, फिर साउथ में कौन से दो फेमस हॉटस्पॉट्स है. करेक्ट, आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव एक्सप्लोर्ड इट, बट स्टिल योग तो एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है जीवन में. वो जो परिपूर्णता है, जो बोलने से कंटेंटमेंट है, वो नहीं हम अचीव कर पा रहे. तो आप एक्चुअली इधर आए हो कंटेंटमेंट के लिए, मगर फिर आप उलझ रहे हो किसमें, इंफॉर्मेशन नॉलेज. करेक्ट, बिकॉज पर्पस कहां से आएगा आपको, व्हेन यू आर कंटेंट, तो यू विल देन कीप ऑन फाइंडिंग सो मेनी पर्पसेस इन लाइफ, मगर वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा. करेक्ट, तो वो कैसे आता है, एक गुरु के सामने में बैठ के, या फिर एक व्यक्ति जो बोधि है, जो बुद्ध है, मीन्स वन हु हैज अटेंड. तो इसमें कल ही मेरे गुरु जी के साथ बात हुई थी, तो रमणी महर्षि, आपने नाम सुना है, योगा वालों के लोगों ने सुना होगा रमणी महर्षि. करेक्ट, तो ही वॉज हाईली एनलाइटेंड मास्टर, ही वॉज हाईली एनलाइटेंड योगी. योगी भी हम मतलब उनका मतलब नाम भी लेने के लिए मतलब अधिकार नहीं है हमें. तो वैसे बहुत सारे एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, तो उनको एक फॉरेनर ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हम एनलाइटेंड हो पाएंगे, या जो बोध है वो हमारे जीवन में कैसे बढ़ेगा. तो उन्होंने दो आंसर्स दिए, तो फर्स्ट आंसर यू वुड बी सरप्राइज नाउ. फर्स्ट आंसर है, आप जप करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ये सब बातें हैं, मतलब टूल्स टेक्निक्स करो, ये सब आप करो, बहुत करो, मगर इससे आपको वो मिल सकता है, मगर ये जीवन में नहीं. तो उन्होंने क्या कहा, मिल संभावना है मगर नॉट पॉसिबल, संभावना है मगर नॉट पॉसिबल, उसके बाद नॉट पॉसिबल ही बोलते हैं वो. एंड सेकेंड वे ही सेज, यू गो एंड सिट बिसाइड अ व्यक्ति, अ बोधि और अ बुद्ध भगवान, मतलब बुद्ध ये मैं ऐड कर रहा हूं, बट अ बोधि व्यक्ति या जो मास्टर, हु हैज रियलाइज्ड दिस इन ऑल द वेज, मींस उन्होंने देखा भी है, उन्होंने सुना है, उन्होंने अनुभव किया है, वो उनके जीवन में वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास आप जाओगे तो वो सहज है फिर. तो दो टाइप के योग है, एक श्रम वाला और एक अश्रम वाला. अश्रम मतलब सहज, श्रम मतलब आप फिर 30-30, 40-40 साल आपके योगिक प्रैक्टिसेस करो. आजकल के डेट में जो योगिक प्रैक्टिसेस है वो भी इल्यूजन है, जो रियल नहीं सिखा रहे, बहुत कम ही मास्टर्स है जो रियल सिखा पा रहे हैं, जो बंध हम बोलते हैं,
correct all the types of techniques and so correct way of breathing है वो को बहुत कम वो सिर्फ मतलब text तो available है मगर actually कर पा रहे क्या बहुत rare है वो कुछ मतलब दुर्लभ है तो ये दुर्लभ की तरफ लेके जाने वाला है आपका हरि या अंदरूनी नाद so that's why we are here to resonate with the inner nad with the inner sound so that हमारे जीवन में ये जो भागदौड़ है बिना मतलब की भागदौड़ है ये बंद हो जाए बिना मतलब हम आप लोग भाग रहे हो ये आप लिख लेना because आपको contentment नहीं मिल रही है that was a similar case with myself as well कि इसके पहले मैं डीजे था I was DJing in the top clubs in the Mumbai मेरा event companies के साथ tie-up भी हो चुका था EBC नाम की and I used to perform in front of 800 plus people और उनके साथ discussion था कि शायद से हम tour करेंगे India tour या जो भी है तो सब lined up था मगर ये अचानक से मैंने छोड़ दिया वो अचानक नहीं 3 साल लगे मुझे वो छोड़ने के लिए because वो मेरी वासना थी मेरे वो एक क्या बोल सकते हैं हम unsatisfied expectations या desires या कुछ तो लोगों को दिखाना है मुझे pretend करना है बहुत और मैं ऐसे ट्रेनिंग और सेमिनार्स में जाता था वहाँ पे लोग तो मुझे और बढ़ावा दे रहे थे अरे बहुत अच्छी संभावना है बहुत अच्छा आप कर रहे हो आप तो लोगों को नचा रहे हो आप लोगों को हैप्पीनेस दे रहे हो तो मुझे लगा अरे हाँ अरे मैं तो दे रहा हूँ हैप्पीनेस लोगों को बट इट वॉज नॉट रियल हैप्पीनेस आई कुड सी जो मेरे दोस्त कभी मेरे क्लब्स में आते मतलब इवेंट्स में आते थे वो तभी के लिए बहुत नाच रहे थे मगर उसके बाद तो कुछ नाच नहीं था उनके लाइफ में तो फिर मैं ही देखा रहे मैं कैसे दे रहा हूँ हैप्पीनेस फिर कहीं वो तो गड़बड़ है तो गड़बड़ कहाँ पे थी मेरे अंदर ही थी मतलब आई वॉज प्रिटेंडिंग मैं बहुत दिखावा कर रहा था और अंदर से जो चुभन थी अनसेटिस्फेक्शन था वो मैं झांक रहा था और वो बढ़ते जा रहा था वो हॉलोनेस जो एम्प्टीनेस है बढ़ते ही जा रहा था और अचानक से क्या हुआ मैंने सब रोक लिया I stopped my college, I stopped my DJing. I'm still completing my education. I'm in fourth year, computer science engineering. तो वो होगा next year complete. तो ऐसे कर रहा था तो यार अंदर से बहुत emptiness बढ़ रहा था मेरे life में. आपने भी experience किया है ऐसा? आया ना? आपने किया होते होगा ना? Emptiness, hollowness. तो बाद में होगा, 35 years के बाद होगा. मगर बाहर नहीं आने दे रही हम बाहर नहीं आने देते तो यही जो बोध का आवाज होता है ये बोध का नाद होता है अगर हम उसको पकड़ नहीं पाते हम पकड़ क्यों नहीं पाते बिकॉज All this ignorance. और आज के डेट में वो बहुत ज्यादा है तो हमें लगता है वही है शायद से वही तो है आप आसन करो अरे यही तो है योगासन तो ऐसा नहीं है तो मेरा वो बहुत प्रिटेंड बढ़ रहा था और मैं फिर रोक गया मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया मैंने डीजिंग छोड़ दिया म्यूजिक छोड़ दिया और अचानक से मेडिटेशन करने की अर्ज आई अ सडन अर्ज टू मेडिटेट मेरे फैमिली में किसी ने योगा या मेडिटेशन नहीं किया है सिर्फ माई मॉम यूज टू गो फॉर श्री श्री रविशंकर्स आर्ट ऑफ लिविंग तो वैसे तो कभी नहीं मुझे भी फोर्सफुली भेजा था मगर मैंने वो कभी किया नहीं था करेक्ट बट उनका फिजिकल प्रेजेंस तो हुआ था सो दैट इज आई एम वेरी लकी लाइक वो लक उसमें आया तो है नहीं ऑल लक तो ऐसे जो प्रेजेंस होते हैं मास्टर्स के वो बहुत आपके लाइफ में चेंज करवाते हैं हमें लगता है ये क्या कपड़े सादे पहने इन्होंने ये क्या साधु ने कपड़ा पहना ये साधु के पास तो पैसा भी नहीं है जो हम टेम्पल्स में जाते हैं और जैसे हम अगर हम गांव में जाते हैं और टेम्पल्स में देखते हैं तभी वो कुछ ना कुछ साधु संत वहां पे होते हैं तो उनको पैसे ना देना उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता हमें लगता है अरे ये क्या भिखारी है मंदिरों में पड़ा हुआ है और हाथ में कुछ तो पकड़े हुआ है एक तार तो क्या फकीर है तो ऐसे नहीं होता उनके वाइब्रेशन ऐसे मैजिकल होते हैं कि वो आपकी लाइफ में इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस चेंज कर ही देते हैं तो वैसे है तो अचानक से मेडिटेशन की अर्ज आई और विपाशना कभी मैंने सुना नहीं था नाम तो वो ऑटोमेटिकली विपाशना तो उसको मैंने किया एनरोल एंड आई स्टिल रिमेम्बर द डेट
फरवरी 16 मैंने सर्च किया कि म्यूजिक में मैं अलग से क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं क्लासिकल संगीत तो सीख रहा हूँ, क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत है 10 सालों से सीख रहा हूँ, मगर वो भी मैंने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ डीजे, और तभी तो बहुत बताया था लोगों ने, मतलब मेरे मास्टर्स ने कि राग चिकित्सा होती है, पूर्वी के जमाने में जो तानसेन जीत है तभी वो गाते थे, तभी बारिश गिरती थी या लाइट दिए जलते थे, तो मुझे लगता था ये क्या फेका फेकी है, क्या है ये फेक चीज कि आप खाने से ये दिया जलेगा। बट समवेयर इट स्टक विद मी ऑल दोस एग्जांपल्स, वो स्टक था, और फिर मैंने सर्च किया साउंड थेरेपी, और फर्स्ट केम वॉज द रिवेश माय मास्टर्स नेम, और फरवरी 16 था, फरवरी 17-18 उनका पुणे में मास्टर क्लास था, तो विदाउट एनीथिंग आई वेंट फॉर इट विदाउट एनी थिंकिंग। सो तभी हम नहीं सोचते हैं, तभी आपका माइंड शांत हो जाता है, तभी यू आर वेरी रिलैक्स्ड व्हेन योर बॉडी इज वेरी रिलैक्स्ड, सो समथिंग न्यू इज पॉसिबल। जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने कभी सुना है, तो उसको कब आई थिंक सो वो आपको पता है उसको बियॉन्सी भी बोलते हैं, बियॉन्सी इफेक्ट, करेक्ट। तो उसको कभी वो एनलाइटेंड हुए, मतलब वो डिस्कवर कर पाए, वो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब वो इन्वेंशन के लिए या डिस्कवरी के लिए जो भी वो प्रिंसिपल, क्योंकि उनके किंग ने उसको बोला था करने के लिए, मगर वो कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू मच, ही वॉज डूइंग टू मच, डूइंग थे वो, बहुत जोर फोर्स लगा रहे थे उनके लाइफ में, तो कभी नहीं पॉसिबल था उनके लाइफ में। बट वॉट हैपन्ड, ही गेव अप देन, ही स्टॉप दैट, बोला अरे ये मेरे बस की बात नहीं है, छोड़, और उन्होंने सब वो रिसर्च था वो फेंक दिया, सब उनका रिसर्च था वो फेंक दिया, एंड ही वॉज इन हिज बाथरूम एंड ही वॉज वेरी क्लियर, ही वॉज वेरी स्टिल, ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड, उनको कुछ पाना नहीं था अभी, उनके लाइफ में कुछ करना नहीं था उनको, ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड, ही वॉज इन हिज बाथरूम एंड उन्होंने वो टब पूरा भरा था पानी का, एंड वेन ही जंप, आई थिंक ही जंप और ही सैट इन इट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट वो पानी बाहर आया एंड तभी उनको चमका, अरे इतने सालों से मैं कर रहा हूँ और मुझे मेरी बात टब में इसका डिस्कवरी हो गई, ऐसा कैसे। और फिर वो वैसे ही नेकेड होके यूरेका चिल्लाते गए पूरे सिटी में, बट दैट वॉज हिज मैडनेस। तो हम ऐसे जीवन में मैड होते हैं कुछ तो पाने के लिए, बिकॉज ये जो कुछ तो पाना है हमें, वो किसी ने हमें जताया होता है, हमें प्रोग्राम किया होता है, हमारे पहले 3 साल में प्रोग्राम किया होता है हमारे जेनेटिक्स में, तो वो ही करते रहते हैं हम। जैसे कि मुझे प्रोग्राम था सोसाइटी ने किया, अरे डीजे बन, या मेरे फ्रेंड्स ने, तो उसके पीछे, तो ये फिर मेरे लाइफ में कभी नहीं आता, करेक्ट। आई स्टॉप, आई रिलैक्स एंड आई कॉन्टेम्पलेटेड कि म्यूजिक के अलावा क्या हो सकता है, तो दिस केम अ रियल योग स्टार्टेड हैपनिंग। तो जो हम योग बोलते हैं कि हम योग एक स्पेसिफिक टाइम में अलाउ करेंगे, मेडिटेशन अलग से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। योग इज अ लाइफ टाइम, वो जो क्रिया है, संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ये जो क्रिया है आपकी योग की, वो पूरी लाइफ टाइम आपकी होनी चाहिए, और वो सहज होनी चाहिए, और वो आपके अंदर बोध लाने चाहिए, तो ही वो सच का योग है। और वो योग बोलते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन, इट्स ऑलवेज द यूनियन, तो उसके तरफ लेके जाने वाला योग। एक बार चेक करते मुझे थाम था, ठीक है, तो वैसे तो वो वाला योग। तो साउंड थेरेपी कहाँ पे आपको मदद करता है कि ये जो इल पैटर्न्स है पहले बॉडी के और पहले माइंड के, वो क्रेविंग्स है, डिजायर्स है, ये जो अशांत पड़ा है ना, अशांति, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, ये तो पहले चले जाए, तो फिर उसकी संभावना हो सकती है, जो सम की बुद्धि हो सकती है, समाधि की बुद्धि, सम क्वानिमिटी हम जो बोलते हैं, तो तभी हम बात कर सकते हैं उसकी, तो उसके पहले नहीं। सो दैट्स व्हाई द साउंड थेरेपी फॉर दोज हु हैव कम। सो साउंड थेरेपी, ये जो सिंगिंग बोल्स, ये जो है इसको गुरु गोरक्षनाथ या हमारे संस्कृत लैंग्वेज में इसको बोलते हैं घोष पुष्पक, या फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज इसको घोष कुंडी बोलते हैं, घोष कुंडी, कुंडी मतलब बोल, घोष करने वाला नाद। और हमने बहुत सारे बुद्ध के स्टैचूज पे और कोई कोई योगीज के स्टैचूज में भी आपने कभी ये से बोल्स देखे होंगे, तो ये बोल्स वही है,
मगर ट्रांसलेशन में लोग इसको मतलब बेगिंग बोल या ईटिंग बोल कर रहे हैं, मगर वो बोल यही है, सिंगिंग है। और बहुत सारे पिक्चर्स में अभी अलग अलग शेप्स के हैं, मगर वैसे नहीं था, शेप ऐसे ही था। ये बहुत एंटिक है दिस वन, सो वैसे ही होता है, इसमें खाना खा सकते हैं, देखो ना कैसे गोल है, करेक्ट। तो यही है, और ये ऐसे धातु से बना हुआ है जैसे कॉपर और टिन, सिर्फ दो मेटल आपको मार्केट में 7 मेटल और 9 मेटल के मिलते हैं, जैसे कि ये है, दिस इज नॉट इवन रियल बट ये मैकेनिकल होता है, तो आपको आवाज समझेगा इसका, तो वैसे सो दो मेटल एज पर आयुर्वेदा वो आपके बॉडी के जो इल पैटर्न्स है वो स्टार्ट करते हैं रिलीज करने के लिए, एनर्जीज को फेंकने के लिए, जो ब्लॉकेजेस है एनर्जी के, मतलब ब्लॉकेजेस हम बोल सकते हैं बॉन्डेजेस भी, तो आपके बॉडी के और आपके माइंड के। सो फ्रॉम स्ट्रेस टू कैंसर वी हैव रिजल्ट्स इन दिस, एंड दिस मेथड इज वेरी यूनिक बिकॉज आप इसको अगर कोई बाहर से ले सकता है या फिर जो खुद भी है आप भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसकी खासियत है ये, तो वैसे मगर जो बाहर वाला व्यक्ति है वो पहले स्थित हो जाए, वो पहले शांत हो जाए, नहीं तो जैसे हमने फर्स्ट डिस्कस किया आप वो दोषन के साथ अट्रैक्ट होते हो, करेक्ट। तो अगर मैं ये फियर से आपको दे रहा हूं तो आपके अंदर फियर बढ़ेगा, अगर मैं आपको रेस्टलेसनेस की एनर्जी से दे रहा हूं तो ये रेस्टलेसनेस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। मगर एक व्यक्ति बहुत काम है, एक व्यक्ति बहुत स्थिर है, अगर उससे ये आ रहा है तो आपके जीवन में वो ही बढ़ेगा। तो इसलिए आपको एक शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा आपने, सुना है करेक्ट, और उनके गुरु का नाम सुना है आपने, संत रामदास, करेक्ट, संत तुकाराम भी संत रामदास, बट ही वाज हिज मेन स्पिरिचुअल गुरु वाज संत रामदास। तो अभी इमेजिन करो शिवाजी महाराज के इतने बड़े वॉरियर और इतने बड़े किंग जिन्होंने पूरा स्वराज एस्टेब्लिश किया, एक्चुअली स्वराज एस्टेब्लिश कर ही क्यों पाया, बिकॉज ऑफ संत रामदास। तो इतने बड़े वॉरियर को गुरु लग रहे हैं तो फिर हमें क्यों नहीं लगेंगे, करेक्ट। अगर बुद्ध भगवान खुद 8 साल गुरु के पीछे भाग रहे थे, गुरु के लिए वो ढूंढ रहे थे, तो हम क्यों नहीं, फिर तो कहां पे हम गड़बड़ी कर रहे हैं, हमारा सटल अहंकार होता है वो कि हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो पढ़ लेंगे बुक से, मगर वो फिर हमारा माइंड होता है, हमारा जो आइडेंटिटी होता है वही फिर हमें बोलता है कि तुझे यही चाहिए, तुझे वो, आप समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहे हो, करेक्ट। आपका जो मोशन है वही आप अट्रैक्ट करोगे। सो आज के डेट में अगर आप देख रहे हो इतने डायटरी के मतलब हेल्थ के लिए ब्लॉग्स, फाइनेंसेस के लिए ब्लॉग्स, या लाइफ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से फेल है, फेल करते हैं आपको, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है उसके, मगर एक फेल करवा देती है, बिकॉज अगर आप बाहर की ही हैबिट्स में मतलब इम्प्रूवमेंट के लगे, मतलब उसके पीछे पड़ोगे तो आपकी अंदरूनी कहाँ पे है, अंदरूनी ग्रोथ कहाँ पे है फिर। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बेस्ट सोल्यूशन दिया है पूरे संतों ने और योगियों ने कि आपकी जो नाद है, आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति शिव शक्ति है आपके अंदर ही जो है, उसको ही आप प्यूरिफाई करो, उसको ही आप शुद्ध बनाओ। तो जैसे आप आपके देह को, देह भी छोड़ दो, अगर आपने चित्त को ही आपने शुद्ध कर लिया तो बाकी आउटकम है फिर, बिकॉज आई एम सीइंग इन माय ओन लाइफ द मोर आई एम इनटू द स्टिलनेस एंड कामनेस, मैं ऑटोमेटिकली वही फूड अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो मेरे बॉडी के लिए है, तो मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे बॉडी में क्या चालू है, मेरे माइंड में क्या चालू है और मेरे एनर्जीज में क्या चालू है, मैं देख पा रहा हूँ। ये देखने की जो है उसको ही हम बोलते हैं बोध, उसको ही एक प्रकार का हम अगर वो बहुत उच्च स्तर का हो गया, उदाहरण जो बोलते हैं, हाँ कॉन्शियसनेस हम बोल सकते हैं, तो वो हाँ आप पे आपको लेके जाता है कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए, बॉडी माइंड एंड कॉन्शियसनेस, तो वैसे है। और आपको अवेयरनेस वैसे नहीं बढ़ेगा, हमें लगता है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ लें, बिकॉज आज के डेट में बहुत सारी मेडिटेशन पे तो सबसे ज्यादा बुक्स है, सेल्फ हेल्प पे सबसे ज्यादा बुक्स है, करेक्ट। तो वो पढ़ के नहीं होता वो, अगर वैसे होता तो सब लोग एनलाइटेंड यहाँ पे फिरते बैठते होते, ऐसे नहीं होता है, करेक्ट। ऐसे होता तो बहुत आसान होता, करेक्ट, वैसे नहीं होता। तो इसलिए बोधी व्यक्ति
जो जिसने बोध को चख लिया है। तो इसलिए बहुत सारे संतों का अभंग भी है कि मुझे उष्णा भी आप दे दो तो बीच मुझे चलेगा, जैसे कि शबरी जी है जो उष्णा करके भी श्री राम जी को दे रही है, तो उनको वैसे भी चलता है तो हमें वो भी चलेगा, उष्णा भी चलेगा हमें, मगर मुझे वो बोध चाहिए। तो आपकी लाइफ में अगर बोध बढ़ेगा, आपकी लाइफ में कंटेंटमेंट, सेटलमेंट एंड कामनेस, अगर ये आपकी लाइफ में बढ़ेगी, सिंप्लिसिटी, ईज, लाइफ शुड बी इजी, लाइफ इज नॉट अ स्ट्रगल, मगर हमें स्ट्रगल कौन करवाता है, ये वासनास, हमारी ही वासनास, और उसके बाद उसके साथ जो भी उसके एक्शंस अटैच्ड है, जो हम उसको बोलते हैं कर्म, तो उसमें हमें अभी नहीं जाना है। तो कहाँ पे जाना है हमें, सबसे ज्यादा पहले कहाँ पे फोकस करना है कि क्लेंसिंग पे और सिंप्लिसिटी पे, लाइफ शुड बी सिंपल। अगर हम अटैच्ड ही रहे अटैचमेंट्स और फिजिकल फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो हमें फिर वो जो इटर्नल हैप्पीनेस है, इटर्नल जो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि जो सच्चित आनंद है या जो इटर्नल जो हैप्पीनेस होता है वो कैसे हम पा ले, तो वो पाने के लिए बोध होता है। तो वैसे और बोध लाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स हम सेशन के बाद भी डिस्कस करेंगे। अभी विल फोकस ऑन दी प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, बिकॉज संत तुकाराम उनकी गाथा में बोलते हैं, तुकाराम गाथा में बोलते हैं कि आप इतना सारा पूजा पाठ कर रहे हो, आप इतना ज्यादा रिचुअल्स कर रहे हो, मगर आप आपके माइंड को जो क्रेविंग्स और डिजायर से भरा पड़ा है उसको आप नहीं शांत कर रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपके जो माइंड का, मतलब ये सब क्रेविंग्स और एवर्जन्स है या इमोशंस है, तो वो आप जितना भी आप प्यूरिफाई करो बाहर की चीजों से, उससे प्यूरिफाई नहीं होगा। मतलब हम सैंडलवुड, उन्होंने एग्जाम्पल कहा है कि बहुत लोग सैंडलवुड और टर्मरिक लगाते बैठते हैं और उनको लगता है उनकी बॉडी प्यूरिफाई होगी, मगर वैसे प्यूरिफाई नहीं होती। प्यूरिफाई कहाँ से होती है, अगर आपके अंदरूनी जो शक्ति है उसका आपको एक बोध मिल गया, एक थोड़ा सा टेस्ट मिल गया, जो हमारे अंदर ही वारी चालू है, वारी मतलब आप समझते हो वारी या वाइब्रेशंस का बात चालू है, साउंड बात हमारे अंदर चालू है, देयर इज अ बाथ ऑफ वाइब्रेशंस हैपनिंग इन द एंटायर बॉडी बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, करेक्ट। तो वो बात की बात कर रहे हैं, सारो संत जो सब संत है, सारे योगीज है, वो अंदरूनी बात की बात 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 कर रहे हैं, बात की बात कर रहे हैं, करेक्ट।